हाल ही में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद राजस्थान की सियासत में हलचल मच गई थी। इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुलाकात ने चर्चाओं को और हवा दे दी है। इस मुलाकात के सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। प्रमुख सवाल यह है कि क्या इस मुलाकात से वसुंधरा राजे की पार्टी से चल रही नाराजगी दूर हो जाएगी। वसुंधरा राजे जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, विधानसभा चुनाव के बाद से प्रदेश की सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने केवल 12 झालावाड़ लोकसभा सीट पर प्रचार किया। वे पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल थी, लेकिन चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा की वसुंधरा राजे से यह दूसरी मुलाकात थी, जो लगभग 1 घंटे तक चली। इस दौरान बजट सत्र और आगामी 5 विधानसभा उपचुनाव पर चर्चा हुई। वसुंधरा राजे राजस्थान में एक प्रभावशाली नेता मानी जाती है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी हाईकमान वसुंधरा राजे को लेकर गंभीर है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को वसुंधरा राजे से मुलाकात के निर्देश दिए गए हैं। वसुंधरा राजे के 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद उनके साथ जुड़े नेताओं का एक बड़ा धड़ा निष्क्रिय हो गया है, जिसका असर लोकसभा चुनाव में दिखा। पार्टी को केवल 14 लोकसभा सीटों पर ही जीत मिल पाई। ऐसे में यदि वसुंधरा राजे प्रदेश की सियासत में दोबारा सक्रिय होती है तो विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। राजस्थान में 5 सीटों पर विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। इन 5 सीटों के विधानसभा उपचुनाव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए कड़ी परीक्षा है। चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपचुनाव को लेकर वसुंधरा राजे से मुलाकात की है। यदि भजनलाल शर्मा वसुंधरा राजे की नाराजगी दूर करने में अगर सफल होते हैं तो पार्टी के विधानसभा उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की काफी उम्मीद जताई जा रही है। इस मुलाकात के सियासी मायने गहरे हैं और इसके परिणाम पार्टी और राज्य की राजनीति पर गहरा असर डाल सकते हैं। अब देखना ये होगा कि राजस्थान की राजधानी में इसका क्या असर पड़ता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता दरबार न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।